झूठ काठ की हांडी जैसा होता है जो बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस का झूठ लोगों ने समझ लिया है। वहीं धारा 370 को लेकर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि धारा 370 राज्य की टेम्पोरेरी व्यवस्था है जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसके वापस आने की कोई भी संभावना नहीं है। लेकिन इस बार जो राहुल गांधी ने जिस तरह से बयान दी, जो झूठ की हांडी होती है वो काठ की हांडी जैसी होती है, बार बार नहीं चढ़ती। ये कांग्रेस का झूठ लोगों ने समझ लिया है कि कांग्रेस के इस भ्रम फैलाने वाले सिस्टम को कांग्रेस ने समझ लिया है और कोई उसको नहीं मानता। उस व्यवस्था के हिसाब से धारा 370 एक जो टेम्परेरी व्यवस्था थी वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। वापिस आने की कोई संभावना, कोई विपक्षी दल अगर बोलता है तो वो केवल भ्रम फैला रहा है। उनकी बातों का आप विश्वास मत कीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी के इन प्रयासों के कारण, एनडीए की सरकार के इन प्रयासों के कारण, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस दृढ़ संकल्प के कारण जम्मू और कश्मीर में सभी नागरिक भारत के संविधान के अनुसार एक इस राष्ट्र के, इस मजबूत राष्ट्र के डेमोक्रेसी के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। ने पुलिस की नींद पिछले 5 सालों से हराम कर रखी थी। यह तस्कर इतना शातिर था कि झारखंड में बैठे बैठे नशे का सामान राजस्थान में सप्लाई कर रहा था, लेकिन हर बुरे काम का नतीजा, उसका फल वही होता है, जेल। इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस के हत्थे चढ़ा नशे का कारोबारी, नेपाल बॉर्डर से किया गिरफ्तार, पेरोल तोड़कर हुआ था फरार, झारखंड से चला रहा था नशे का कारोबार। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स की मासूमियत पर मत जाइए, ये कोई मामूली अपराधी नहीं बल्कि ये नशे का एक सौदागर है जो पिछले 5 सालों से पुलिस के नाक में दम किए हुए था। पुलिस ने इसे नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए इस शख्स का नाम वर्मा राम बताया जा रहा है, जो कि बाड़मेर का रहने वाला है। इस आरोपी की तलाश में राजस्थान से दिल्ली, झारखंड, बिहार के मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, रक्सौल और नेपाल में पुलिस की यह टीम भटकती रही, लेकिन पुलिस ने तकनीक का इस्तेमाल कर इसे नेपाल बॉर्डर से धर दबोचा। वर्मा राम पर न केवल नशे का सौदागर है बल्कि हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा याफ्ता भी है, लेकिन इसने पैरोल तोड़ते हुए साल 2018 में फरार हो गया और सुधरने के बजाय झारखंड में बैठकर नकली दस्तावेजों से अपनी पहचान बदलकर राजस्थान में अपना नशे के कारोबार को चलाता रहा। इस बीच वर्मा राम ने ऑनलाइन रुपए का ट्रांजैक्शन किया, जिसकी भनक पुलिस को लग गई। पुलिस की टीम लगातार उसकी तकनीकी पड़ताल कर रही थी। इस मामले की सूचना के जरिए तू डाल डाल में पात पात की तर्ज पर आरोपी का पीछा शुरू किया। 2010 में पहला मुकदमा हुआ हत्या का, और उसके बाद 2018 से पेरोल से फरारी करके यह राजस्थान छोड़कर झारखंड के रांची एवं छतरा इलाके में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, और वहां से मादक द्रव्यों की तस्करी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा था, जिसमें वहां से मादक द्रव्यों की आपूर्ति राजस्थान, खासकर राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में की जा रही है। पुलिस की टीम ने 7 दिनों तक 5500 किलोमीटर तक आरोपी का पीछा किया। शुरुआत रांची से हुई। रांची से पीछा करते हुए टीम मुजफ्फरपुर पहुंची। यहां उसने कई होटल कंगाले। इसके बाद वर्मा राम के हुलिये का व्यक्ति एक होटल में जगह राम के नाम से ठहरने की सूचना मिली। हालांकि पुलिस के सामने अभी बड़ी चुनौती थी। दरअसल पुलिस के पास अपराधी का साल 2010 का फोटो था। 15 साल में अपराधी का हुलिया इतना बदल गया था कि पुलिस के सामने काफी मुश्किलें खड़ी हो गई। हालांकि इस बीच पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल पुलिस को बिहार के मुजफ्फरपुर के एक होटल मैनेजर से एक सीसीटीवी मिला। वीडियो में इस अपराधी के हालिया हुलिये का पता चल गया। छोटी सी सूचना के आधार पर हमने मुजफ्फरपुर के कई सारे होटल खंगाले। एक होटल में इस जगाराम नाम के व्यक्ति की एंट्री मिल गई। एक नंबर मिल गया, जो नंबर हम लोगों की जानकारी में था, नाम तो जानकारी में नहीं था।
फिर हमने सीसीटीवी के फुटेज निकाले वहाँ पर, तो सीसीटीवी में यह व्यक्ति देख गया कि एक दिन पहले ये वहाँ पे, दो दिन पहले वहाँ पर ठहरा था, पर वो नंबर खत्म हो चुका था। होटल से पुलिस को जग्गा राम उर्फ वीरा राम का पर्सनल नंबर मिल गया। पुलिस ने तुरंत ही नंबर को सर्विलांस में लगाया, जिससे पता चला कि वो समस्तीपुर में एक होटल में ठहरा है। टीम वहां पहुंची तब वह नेपाल चला गया था। बाद में वापस आकर जब रक्सौल में एक होटल में रुका, जहां से पुलिस की टीम ने वीरा राम को पकड़ा और कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट वारंट के साथ जोधपुर लेकर पहुंची और यहां से इसे बाड़मेर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। रक्सौल में इसको वहां की पुलिस के साथ गिरफ्तारी की गई, मोतिहारी से ट्रांजिट रिमांड लेकर आज सुबह हमारी टीम पहुंची है, जो कि बाड़मेर पुलिस को, इसको गांव की पुलिस को इसको हवाले कर दिया। इसमें सफलता सिर्फ यह नहीं है कि पुलिस की टीम ने सफलता हासिल की, और एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो आदमी झारखंड में रहकर पिछले 6 सालों से एक बहुत बड़ा नेटवर्क, एक बहुत बड़ा गिरोह चला रहा था, राजस्थान में मादक द्रव्यों की निर्बाध आपूर्ति कर रहा था, उसकी गिरफ्तारी से एक बहुत बड़े नेटवर्क को स्थानांतरित करने में सफलता मिली है। पुलिस का कहना है कि वीरा राम की गिरफ्तारी से नशे के कारोबार पर लगाम लगेगी। न्यूज 18 के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। बाद महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया है, क्योंकि सवाल एनकाउंटर की थ्योरी पर उठ रहे हैं और यही वजह है कि इस मामले में एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। रेप के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर सवाल, शक के दायरे में पुलिस की थ्योरी, एसआईटी के हवाले अक्षय शिंदे एनकाउंटर की जांच। बदलापुर रेप कांड के आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हो चुका है, उसके एनकाउंटर पर जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन जिन हालात में रेप के आरोपी अक्षय का एनकाउंटर किया गया वो सवाल खड़े कर रहा है। बदलापुर एनकाउंटर मामले में न्यूज इंडिया आपको वो वैन दिखाने जाता है जहां पर उस वैन के अंदर एनकाउंटर हुआ था। यहां पर थाने क्राइम ब्रांच के साथ साथ थाने पुलिस के तमाम पुलिस अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। इसी वैन में बदलापुर रेप कांड के जो मुख्य आरोपी है अक्षय शिंदे को नवी मुंबई के तलुजा जेल से बदलापुर लाया जा रहा था, तभी मुमरा बाईपास पर यह बताया जा रहा है कि अक्षय शिंदे ने पीआई मोरे की रिवॉल्वर, सर्विस रिवॉल्वर छीनी थी और छीनने के बाद उसने फायर किया। फायर करने में एपीआई मोरे के पैर में गोली लगी है। रिटेलिएशन में, डिफेंस में अक्षय मोरे पर जो संजय शिंदे, दोनों ने गोलीबारी की और उसमें संजय शिंदे की मौत हो गई है। इस पूरे मामले में अब थाने क्राइम ब्रांच की टीम, एफएसएल की टीम अब जांच कर रही है। देखिए, बदलापुर की घटना जब से घटी है तब से राजनीति और राजनीतिक दबाव इसमें हमने पाया है। विक्टिम के तरफ से मैंने जो कल्याण के कोर्ट में जब से वकालतनामा दाखिल किया है तभी भी मैंने ये महसूस किया है कि पुलिस को उनका काम करने के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे राजकीय नेते, और जिस शिक्षण संस्था में ये वारदात हुई थी, वो छोटे बच्चे पे अत्याचार हुए हैं, वहाँ पे वो शिक्षण संस्था भारतीय जनता पक्ष के लोगों से भरी है और इसलिए उनको बचाने का तरीका ढूंढा जा रहा था। जानकारी के मुताबिक अक्षय शिंदे का एनकाउंटर उस वक्त हुआ जब अक्षय को एक अन्य मामले में तलोजा जेल से बदलापुर ले जाया जा रहा था। दावा किया गया कि इसी दौरान अक्षय ने एक पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीन ली और गोली चला दी। गोली नीलेश मोरे नाम के पुलिसकर्मी के पैर में लगी। जवाबी कार्रवाई में संजय शिंदे नाम के पुलिसकर्मी ने भी गोली चला दी, जिससे अक्षय शिंदे घायल हो गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान अक्षय की मौत हो गई। ठाणे सीपी
आशुतोष डुबरे जो है उन्होंने एक एसआईटी का गठन किया है। इस एसआईटी के सामने यही सबसे बड़ा टास्क होगा कि उस वक्त क्या हुआ, उस शाम को क्या हुआ, अक्षय शिंदे का जो एक फायर एक्सचेंज हुआ या हम कहें कि एनकाउंटर हुआ वो कैसे हुआ, क्या हुआ, इस सब का पता जो है वो ठाणे पुलिस की एसआईटी टीम लगाएगी। उसमें क्या क्या लिखा था मेरे को बोल रहा है लड़का की पढ़ के देख मैं बोला मेरे को पढ़ने को नहीं आता पढ़ने को नहीं आता बोला उसने आशा मेरे को ऐसा भी दिया उसने मेरे को पट्टी भी दिया मेरा बच्चे और एक घंटे में उसको मार दिया तुम लोग इतना अच्छे से बोला बच्चे ने आशा और एक घंटे में उसका फायरिंग किया करके कुछ भी बताएगा तुम लोग कुछ भी बताएगा वो बच्चा वही बच्चा मिला था उन लोग को। लेकिन यही पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि आखिर चार पुलिसकर्मियों के बीच अक्षय ने रिवॉल्वर कैसे निकाल लिया? अक्षय शिंदे को क्या बिना हथकड़ी के ले जाया जा रहा था? क्यों सेल्फ डिफेंस में अक्षय के सर पर गोली मारी गई? अक्षय की मां ने भी इस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए हैं। वो बच्चे ने बोला मेरा रिपोर्ट भी निकाला मम्मी रिपोर्ट भी निकाला रिपोर्ट निकाला रहेगा तो तुम उधर दाखिल करना मांगते है ना कोर्ट में दाखिल करना मांगते है ना दिखाना मांगता है ना। हाँ बाबा बच्चे ने किया है क्या नहीं करके तुम लोग डायरेक्ट गोली डाल के उसको मार दिया और ऊपर से बोलेगा कि उसने फायरिंग किया करके वो बच्चा फटाकड़ी चलाने को नहीं आता गाड़ी नहीं चलाने को आता इतना बड़ा बंदूक लेगा कुछ भी बच्चे पे आरोप डालते तुम लोग तुम्हारा नाम बड़ा करने के लिए। उधर इस मामले ने सियासी तूल भी लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस जहां पुलिस पर थ्योरी गढ़ने का आरोप लगा रही है तो वहीं एनसीपी का कहना है कि ऐसी घटनाओं से महाराष्ट्र पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। कहानियां एक के बाद एक बदल रही है। सबसे पहले बताया गया कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, फिर कहा गया कि एनकाउंटर है, फिर कहा गया कि पुलिस वो हमला कर रहा था। देखिए एनकाउंटर किसका होता है? एनकाउंटर आतंकवादियों का होता है, एनकाउंटर अंडरवर्ल्ड के गुनहगारों का होता है। ये कौन आदमी था? तो इससे एक बात का और जो संदेह था उसका वो सबूत जो संदेह और बढ़ता जा रहा है कि शायद पुलिस किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है। प्रश्न बहुत सिंपल है, महाराष्ट्र की पुलिस इतनी लापरवाह कैसे हो रही है? एक अपराधी जो संगीन जुर्म का अपराधी है, लैंगिक अत्याचार जैसे संगीन जुर्म का अपराधी है, क्या इसके हाथ बांधे नहीं गए थे? उसको पुलिस का हथियार कैसे मिला? जो ऑफिसर जो या जो कांस्टेबल जिसका वो हथियार था वो इतनी लापरवाही से किस प्रकार से काम कर रहा था? हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि पुलिस ने अपने बचाव में ही जवाबी कार्रवाई की है। उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की, नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है। बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी, उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस के बंदूक छीन कर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। फिलहाल इस मामले की जांच अब एसआईटी के हवाले है, उसे ही इस तह तक पहुंचना है कि एनकाउंटर की इस कहानी का सच क्या है। मगरमच्छ का जुलूस सुनकर आपको हैरानी होगी लेकिन यह सच है। एक गांव में लोगों ने निकाल दिया मगरमच्छ का जुलूस और देखिए यह हैरान करने वाली खबर कैसे सामने आई है, कहां से सामने आई है। देखिए इन तस्वीरों को, मगरमच्छ को पूरे गांव में घुमाया जा रहा है।
कुछ लोगों ने मगरमच्छ को रस्सियों से बांधा, उसका मुंह बंद किया और फिर मानो पूरे गांव में जुलूस निकल गया। जो जो सामने आया वो मगरमच्छ को पकड़ने लगा। पहले हाथों से पकड़कर गांव में घुमाया गया, उसके बाद एक साइकिल लाई गई, मगरमच्छ को साइकिल पे रखा गया और फिर गांव में घुमाया जाने लगा। देखिए इन लोगों को किसी बात का कोई डर नहीं है, बिना किसी खौफ के वो इस मगरमच्छ को लेकर घुमा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि ग्रामीणों ने खतरनाक मगरमच्छ को काबू में करने के बाद रस्सी से बांध दिया। गांव के युवाओं ने मगरमच्छ को हाथ में लेकर कुछ दूरी का रास्ता पैदल भी तय किया। इसके बाद युवाओं ने मगरमच्छ को साइकिल पर रखकर पूरे गांव में बारात की तरह घुमा दिया। अब सवाल ये है कि आखिर गांव वाले इस तरह से मगरमच्छ को लेकर क्यों घूम रहे हैं? क्यों गांव वालों को इस मगरमच्छ को पकड़ने की जरूरत पड़ी? ये मामला झांसी की मोठ तहसील का है। यहां गांव की सड़क पर अचानक मगरमच्छ निकल आया। गांव वालों ने वन विभाग को मामले की जानकारी दी, यहां तक कि मगरमच्छ का वीडियो भी अधिकारियों को भेजा गया, लेकिन अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और मगरमच्छ के रेस्क्यू के लिए कोई नहीं आया, जिसके बाद गांव वालों ने खुद मगरमच्छ को पकड़ा। रस्सियों से मगरमच्छ को बांधा गया और उसे लेकर बेतवा नदी के पास ले जाया गया और फिर बेतवा नदी में छोड़ दिया गया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और जिसने भी ये वीडियो देखा वो हैरान रह गया। इसी तरह सीतापुर में भी मगरमच्छ सड़क पर दिखाई दिया, ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सिरोही से खबर है जहां कलेक्टर की कार कुर्क करने के आदेश दिए गए। सीजेएम कोर्ट ने कार कुर्क करने के आदेश दिए हैं। लोक अदालत के फैसले की पालना नहीं हुई थी और पीड़िता की शिकायत के बाद सीजेएम कोर्ट ने कार्रवाई की है। कार कुर्की के आदेश की कॉपी कलेक्टर को दे दी गई है। पीड़ित के तरफ से आवासीय फ्लैट में कब्जा न मिलने की याचिका दायर की गई थी। लोक अदालत ने 4,60,000 भुगतान के आदेश दिए थे और अब सिरोही में कलेक्टर की कार कुर्क करने के आदेश दिए गए। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है ये, अपने आप एक नजीर यहां पर सीजेएम कोर्ट के इस फैसले के जरिए पेश की गई है जिसमें कार कलेक्टर की कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। लोक अदालत के फैसले की पालना नहीं हुई, इसके बाद कलेक्टर की कार को कुर्क करने के आदेश दिए गए। तो बाकायदा ये नोटिस भेज दिया गया है। पीड़िता की शिकायत के बाद सीजेएम कोर्ट की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। कार कुर्की के आदेश की कॉपी कलेक्टर को भेज दी गई है। रेलवे को सुरक्षित करने को लेकर रेलवे मंत्रालय लगातार नई नई तकनीकों से रेलवे को लैस कर रहा है और उसी कड़ी में कवच 4.0 रेलवे सुरक्षा प्रणाली के तहत सवाई माधोपुर से कोटा के बीच रेलवे ट्रैक को कवच लैस किया गया है जिसका आज ट्रायल होगा। इस कवच 4.0 सुरक्षा प्रणाली का निरीक्षण रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। कवच 4.0 सुरक्षा प्रणाली का रेलवे अधिकारियों के साथ सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक रन करके ट्रायल लेंगे। कवच 4.0 रेलवे सुरक्षा प्रणाली एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। आपको बता दें कि कवच स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। तीन का तड़का बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।